नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। दोस्तों 2020 से शुरू हुई कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोना वायरस के कई वेरिएंट उभरकर सामने आए हैं और इनमें से कई का प्रभाव बहुत खतरनाक था तो कुछ का कम प्रभाव पड़ा। और इसके डेल्टा वेरिएंट ने जहां कोरोना वायरस को अधिक आक्रामक बना दिया था, वही अब नवंबर 2021 में SARS-CoV-2 कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट उभरकर सामने आया है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। WHO ने ओमिक्रॉन कोरोना वायरस को लेकर चिंता जताई है। दोस्तों ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या होता है? तो पहली बार नवंबर 2021 में बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट को पहचाना गया। ओमिक्रॉन कोविड वायरस पिछले कुछ हफ्तों में दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी तक ओमिक्रॉन के बारे में बहुत सी जानकारी जुटाना बाकी है। अन्य वेरिएंट के मुकाबले ये भारत सहित दुनिया के कोने कोने में बहुत अधिक तेजी से फैल रहा है। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ओमिक्रॉन को 50 म्यूटेशंस के कॉम्बिनेशन के रूप में पहचाना और इन म्यूटेशन में से कुछ पहले आ चुके वेरिएंट जैसे कि अल्फा और बीटा भी शामिल है। अल्फा और बीटा पर पहले हो चुकी रिसर्च से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस तेजी से फैलने में सक्षम है और इन म्यूटेशन से बने ओमिक्रॉन वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में नामित किया है। सीधे शब्दों में कहें तो ओमिक्रॉन चिंता का विषय है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये चेतावनी भी दी है कि इसका ग्लोबल रिस्क बहुत हाई है और इस घोषणा के बाद से 90 से अधिक देशों में इस वेरिएंट की पहचान की जा चुकी है। दोस्तों क्या ओमिक्रॉन जो है वो अन्य वेरिएंट के मुकाबले तेजी से फैलता है? तो ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 2 से 3 गुना अधिक तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। कई शोधकर्ता इसे डेल्टा से 5 से 6 गुना तक अधिक संक्रामक मानते हैं और ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने का सबसे पहला सबूत दक्षिण अफ्रीका से आया, जहाँ ओमिक्रॉन एक के बाद एक कई शहरों में तेजी से फैलता गया। ओमिक्रॉन के मामले हर 2 से 4 दिनों में दोगुने हो रहे हैं और ये संख्या डेल्टा वेरिएंट फैलने की तुलना में बहुत अधिक है। ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने रिसर्च के दौरान ये भी पाया है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज घर के लोगों में डेल्टा के मुकाबले 3.2 गुना अधिक तेजी से इस वायरस को फैला रहा है। हालांकि शोधकर्ता अभी इस बात से अनजान हैं कि ओमिक्रॉन इतनी आसानी से क्यों फैल रहा है, लेकिन एक संभावना ये जताई जा रही है कि यह कोशिकाओं पर अधिक आसानी से आक्रमण कर सकता है और वही एक अन्य संभावना ये भी है कि कोशिकाओं में फैलने के बाद ये इन्फेक्टेड सेल्स को कई गुना करने की क्षमता रखता है। दोस्तों ओमिक्रॉन पर एंटीबॉडीज़ कितनी असरदार हैं? तो यदि आपको पहले कोविड हो चुका है या आपके शरीर में कोरोना वायरस की एंटीबॉडी है और इम्यूनिटी बन चुकी है, तो ये आपको कई गंभीर बीमारियों से तो बचा सकता है, लेकिन ओमिक्रॉन इन्फेक्शन से बचाने में बहुत अधिक सक्षम नहीं है। इसका पहला सबूत मिला दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कम से कम 70% लोगों को 2020 में कोविड-19 हुआ और ओमिक्रॉन के नए मामलों के ऐसे लोग बड़ी संख्याओं में शामिल थे जिनको पहले भी कोविड हो चुका है। वही जब इंग्लैंड में ओमिक्रॉन बढ़ने लगा तो ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने पाया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित कई लोग पहले भी कोविड का शिकार हो चुके हैं। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि ओमिक्रॉन कोविड वायरस उन लोगों को दोबारा होने का 5 गुना अधिक रिस्क है जिनको पहले कोविड हो चुका है और ये रिस्क अन्य वेरिएंट से कहीं अधिक है। और इसके लिए जब शोधकर्ताओं ने गहराई से रिसर्च की तो पाया ओमिक्रॉन पर एंटीबॉडीज़ और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी भी असरदार नहीं है और इसी वजह से ये तेज़ी से फैल रहा है और शरीर में कोशिकाओं को इन्फेक्ट करते हुए संक्रमित कोशिकाओं को कई गुना बढ़ा रहा है। दोस्तों इसके लिए क्या टेस्ट किए जाते हैं? तो टेस्ट से आपको पता चल सकता है कि आप कोविड-19 से संक्रमित हैं या नहीं। ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के टेस्ट के लिए 2 प्रकार के परीक्षणों का उपयोग किया जाता है, एक है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट और एक है एंटीजन टेस्ट। NAAT यानी कि न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट और एंटीजन टेस्ट केवल आपको बता सकते हैं कि आपको कोई मौजूदा इन्फेक्शन है या नहीं। व्यक्ति कोविड-19 वायरल टेस्टिंग टूल का उपयोग करके यह निर्धारित करने में सक्षम हो सकता है कि NAAT और एंटीजन टेस्ट में से कौन सा टेस्ट करवाना है। कोविड की पहचान के लिए PCR और एंटीजन आधारित रैपिड डायग्नोस्टिक परीक्षणों की आवश्यकता हो सकती है। सेल्फ टेस्ट किट का उपयोग घर पर कहीं या फिर कहीं भी किया जा सकता है और ये उपयोग में आसान है और तेज़ी से परिणाम देता है। यदि आपके सेल्फ टेस्ट का परिणाम सकारात्मक है तो घर पर रहें या फिर 10 दिनों के लिए अलग थलग रहें। यदि आप दूसरों के संपर्क में हैं तो मास्क पहनें और अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें।
दोस्तों, क्या वैक्सीन जो है वो ओमिक्रॉन से बचा सकती है? तो कई शोधों से संकेत मिलता है कि कोविड वैक्सीन की दो डोज और एक बूस्टर डोज या बूस्टर शॉट ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन के खिलाफ मजबूत सुरक्षा दे सकता है। बूस्टर के बिना फाइजर, बायो एनटेक या फिर मॉडर्ना जैसी वैक्सीन की दो डोज ओमिक्रॉन से बहुत कम सुरक्षा देने में सक्षम है, लेकिन फिर भी कोविड वैक्सीन की दो डोज ओमिक्रॉन से होने वाली गंभीर बीमारी से बचाव करने में सक्षम है। शोधकर्ताओं ने जब वैक्सीनेटेड लोगों के ब्लड सैंपल लेकर ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ मिलकर रिसर्च की तो पाया कि कोई भी वैक्सीन ओमिक्रॉन को पूरी तरह से मात देने में कामयाब नहीं है और एस्ट्राजेनेका या जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की एंटीबॉडी तो ओमिक्रॉन के लिए बिल्कुल भी असरदार नहीं है। दोस्तों, बात करें बूस्टर डोज के महत्व की, तो जब शोधकर्ताओं ने मॉडर्ना या फाइजर बायो एनटेक वैक्सीन के बूस्टर लगवाने वाले लोगों की एंटीबॉडी का टेस्ट किया तो पाया कि बूस्टेड एंटीबॉडीज़ ने कई तरह से ओमिक्रॉन वायरस को कोशिकाओं में फैलने से रोका है। और बता दें कि बूस्टर लगवाने वाले वे लोग थे जिन्हें कोविड हो चुका है और वैक्सीनेशन की दो डोज के बाद बूस्टर डोज लगा था, और इन लोगों के एंटीबॉडी ओमिक्रॉन के खिलाफ बेहद शक्तिशाली थे। और इस बात के सबूत दक्षिण अफ्रीका में भी मिले, और शोधकर्ताओं ने पाया कि फाइजर बायो एनटेक वैक्सीन की दो डोज लेने वाले लोगों में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के खिलाफ सिर्फ 33% प्रभाव दिखा। वही फाइजर बायो एनटेक बूस्टर से ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के खिलाफ 75% प्रभावी था। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्च, जिसके परिणामों को 23 दिसंबर 2021 को साझा किया गया था, उनके मुताबिक एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड का बूस्टर शॉट भी ओमिक्रॉन के खिलाफ असरदार है। दोस्तों, क्या वैक्सीन जो है वो ओमिक्रॉन कोविड की गंभीरता को कम कर सकती है? तो शुरुआती रिसर्च से पता चलता है कि वैक्सीन ओमिक्रॉन कोविड की गंभीरता को कम करने में सक्षम है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के पहले 3 हफ्तों के मामलों की समीक्षा करने पर शोधकर्ताओं ने पाया कि फाइजर बायो एनटेक वैक्सीन की दो डोज लेने वाले लोगों में 70% तक गंभीर लक्षणों को आने से रोक दिया, जिस वजह से उन्हें अस्पताल जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। शोधकर्ताओं ने बताया कि वैक्सीन एंटीबॉडी बनाने के अलावा टी सेल्स की ग्रोथ को भी बढ़ाती है, जो किसी विशेष बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। टी सेल्स ना सिर्फ ये पहचानना सिखाते हैं कि अन्य कोशिकाएं विशिष्ट वायरस से कब संक्रमित होती है, बल्कि वे संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट भी कर देते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन फैलने की गति धीमी हो जाती है। शोधकर्ता हालांकि अभी कोविड 19 वैक्सीन से निर्मित टी सेल्स की जाँच करना शुरू कर रहे हैं, यह देखने के लिए कि वे ओमिक्रॉन के खिलाफ कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि शुरुआती रिसर्च के मुताबिक टी सेल्स अभी भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को पहचान पाने में सक्षम हैं। शोधकर्ताओं की शुरुआती रिसर्च में ये भी पाया गया कि एंटीबॉडी से बचने की क्षमता के कारण ओमिक्रॉन नाक के जरिए डेवलप हो सकता है, लेकिन ये इन्फेक्शन टी सेल लाइन को पार करने में सक्षम नहीं हो पाता। ऐसे में टी सेल संक्रमित सेल्स को वही मार देते और इसे गंभीर बीमारी होने से रोक पाते हैं। दोस्तों, ओमिक्रॉन कोविड कितना गंभीर हो सकता है? दक्षिण अफ्रीका, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की शुरुआती रिसर्च से इस ओर संकेत मिलता है कि डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन कोविड इन्फेक्शन का कम प्रतिशत अस्पताल में भर्ती हो रहा है। शोध से पता चलता है कि जिन लोगों को पहले से कोविड नहीं हुआ है और वैक्सीन भी नहीं लगी है, उनके लिए ओमिक्रॉन वायरस डेल्टा वेरिएंट की तुलना में थोड़ा कम खतरनाक है। वही वैक्सीनेशन की दो डोज ओमिक्रॉन के कारण अस्पताल में भर्ती होने के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है, लेकिन एक वैक्सीन का बूस्टर संभावित रूप से ओमिक्रॉन के खिलाफ प्रभावशीलता को और भी अधिक बढ़ा देता है। शोधों से संकेत मिलता है कि पहले कोविड से संक्रमित हो चुके लोगों को दोबारा ओमिक्रॉन कोविड होना सामान्य है, लेकिन ऐसे मरीजों को की अस्पताल पहुंचने की संभावना बहुत कम है। दोस्तों, क्या ओमिक्रॉन कोविड का इलाज संभव है? तो ओमिक्रॉन कोविड का इलाज संभव है, लेकिन सरकार ने 23 दिसंबर को रिजेनरॉन और एली लिली से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के डिस्ट्रीब्यूशन पर इसीलिए रोक लगा दी क्योंकि ये ओमिक्रॉन के लिए प्रभावी नहीं है। लेकिन जीएसके ने दावा किया है कि सोट्रोविमेब दवा ओमिक्रॉन वायरस से लड़ने में प्रभावी हो सकती है। दिसंबर के अंत में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड ओमिक्रॉन के लिए दो नई एंटीवायरल ड्रग्स के नाम घोषित किए हैं, जो कि है पैक्सलोविड और मोलनुपिरविर। तो इसके अलावा ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों के लिए इलाज के लिए कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि डेक्सामेथासोन नामक एक स्टेरॉयड, जो कि फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली इन्फ्लेमेशन सूजन को रोकने और कम करने में प्रभावी है। दोस्तों, अगले कुछ महीने में ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर कैसा होगा? तो शोधकर्ता यह पता लगाने के लिए गणितीय मॉडल बना रहे हैं कि आने वाले महीनों में ओमिक्रॉन क्या करेगा। शोधकर्ताओं के मुताबिक ओमिक्रॉन आसानी से एक दूसरे से फैलने में सक्षम है और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी को भी बेअसर कर सकेगा।
भले ही ओमिक्रॉन अन्य वेरिएंट की तुलना में हल्का हो, फिर भी अस्पतालों में बेड्स की कमी हो सकती है, क्योंकि ओमिक्रॉन के दौरान एक छोटे से फ्रैक्शन को भी अगर अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हुई तो यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो सकता है। लेकिन अगर ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या पिछले वेरिएंट की तुलना में बहुत अधिक है तो इलाज के लिए अभी भी पहले अधिक गंभीर रोगियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोविड 19 परिदृश्य मॉडलिंग हब नामक एक प्रोजेक्ट चलाने वाले मॉडलर्स की एक टीम ने 22 दिसंबर को एक बयान जारी कर चेतावनी दी कि इस समय हमारे पास जो सबसे अच्छी जानकारी है वह इस ओर इशारा करती है कि ओमिक्रॉन द्वारा उत्पन्न खतरा बहुत अधिक और निकट है। लोगों और सरकार को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को रोकना आसान है अगर लोग वैक्सीनेशन के साथ ही बूस्टर डोज लगवाएं, सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें और साथ ही बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ये सलाह देता है कि 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी लोग पूरी तरह से वैक्सीनेशन लगाकर खुद को COVID-19 से बचाएं, और इसके साथ ही CDC 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेशन के 6 महीने बाद बूस्टर शॉट लगवाने की सलाह देता है। दोस्तों, इसे ओमिक्रॉन का नाम क्यों दिया गया? तो जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के वेरियंट को नाम देना शुरू किया तो उन्होंने ग्रीक अल्फ़ाबेट अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और इसी तरह की ओर रुख किया ताकि उनका वर्णन करना आसान हो। और ओमिक्रॉन का नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन USA टुडे द्वारा बनाई गई नामकरण योजना के तहत ग्रीक अल्फ़ाबेट के 15वें अक्षर के नाम पर रखा गया है। WHO के अधिकारियों के मुताबिक यह एक सामान्य उपनाम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी इस समय सटीक है। हालांकि जैसे जैसे COVID-19 और ओमिक्रॉन की स्थिति विकसित हो रही है, यह संभव है कि ये जानकारी और डेटा बदल गए हों, और इसीलिए यदि आप इस वीडियो को इसके प्रकाशन के लंबे समय बाद देख रहे हैं तो हम आपको लेटेस्ट समाचार और जानकारी WHO से पाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।